हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 क्या था हमारा? क्वांटम स्टेट ऑफ एन एटम। क्वांटम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स क्या होता है? वो एक दूसरे से लिंक होती है। आप फर्स्ट करोगे तो सेकंड इससे लिंक होगा, आप थर्ड करोगे तो फर्स्ट और सेकंड से लिंक होगा। ये ऐसे लिंक होती है, तब तक आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेंगे तो आपको कम समझ में आएगा। समझ में तो आ जाएगा लेकिन कम आएगा। लेक्चर नंबर 2 हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि स्पेक्ट्रा क्या होता है। क्या होता है स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा जहाँ पे वेवलेंथ प्रेजेंट होती है ए प्लॉट ऑफ द कलर्स लाइट। जैसे इसको मतलब मीज़र कैसे करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोमीटर, उससे हम जब उसमें से लाइट फॉल कराते हैं ना, उसमें बहुत सारे कलर्स ऑफ लाइट आते हैं, वहाँ पे जो वेवलेंथ हमें जो प्रेजेंट कराता है वो होता है हमारा स्पेक्ट्रम। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मीनिंग आपको पता चल गया, ए प्लॉट ऑफ द कलर लाइट। इसमें क्या देखेंगे हम? इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑब्जर्व्ड ए सीरीज ऑफ लाइंस हुज सेपरेशन एंड इंटेंसिटी डिक्रीज। वो डिक्रीज होती जाती है इन्हें परफेक्टली रेगुलर मैनर टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। जैसे कल वाले लेक्चर में भी हमने एक वेव्स के थ्रू पढ़ा था कि ये वेव्स इस तरह से स्टार्ट होकर, पहले तो इनकी वेवलेंथ होती है वो बहुत लॉन्गर वेवलेंथ होती है इनके बीच की, ये जो होती है ना, ये होती है हमारी इनके बीच में, ये होती है हमारी वेवलेंथ। ये तो बहुत ज़्यादा से होती, इनका डिस्टेंस बहुत कम होता जाता है, ये होती है हमारी शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ होती है, लॉन्गर वेवलेंथ है तो इसकी एनर्जी लो होगी, फ्रिक्वेंसी लो होगी। एंड शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स इनकी हाई एनर्जी होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी। इसमें हम आज वाले लेक्चर में हम स्पेक्ट्रल लाइंस पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, जिनकी वेवलेंथ होती है फर्स्ट शॉर्टर वेवलेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं हाइड्रोजन अल्फा से, जिसकी वेवलेंथ होती है 6563 एंगस्ट्रॉम। एंड सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, इसकी वेवलेंथ होती है 4861 एंगस्ट्रॉम। एंड थर्ड लाइन इज डिनोटेड बाय एच गामा, इसकी वेवलेंथ होती है 4340 एंगस्ट्रॉम। एंड द फोर्थ लाइन इज एच डेल्टा, जिसकी वेवलेंथ होती है 4102 एंगस्ट्रॉम। और ये घटती बिल्कुल इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है, जिसको हम डिनोट करते हैं H infinity means hydrogen infinity series limit। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3646 एंगस्ट्रॉम। इसमें पहले हम पढ़ेंगे जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये क्या होती है, ये क्या है स्पेक्ट्रल लाइन? ए स्पेक्ट्रल लाइन इज ए डार्क और ब्राइट लाइन इन एन अदरवाइज यूनिफॉर्म एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम रिजल्टिंग फ्रॉम एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट क्या होगा हमारा? स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑफन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड होल फैमिली ऑफ लाइंस। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो वेवलेंथ दे रखी है हमारी, ये सारी, ये ऐसे तो याद नहीं होगी। इसका एक फॉर्मूला है
इसका एक फॉर्मूला है याद रखने वाला, वो ये है v इज डिनोटेड बाय द वेव नंबर, वेवलेंथ होगी r 1 अपॉन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। ये क्या है? ये है रेवर्ड कांस्टेंट। जो बाल ये क्या है हमारी बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट एंड द इंफिनिटी, ये दो हमें याद रखनी पड़ेंगी। इसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है एच अल्फा, इसकी तो हमें वेवलेंथ बता दी, अब हमें निकालनी है एच बीटा की। अगर आपको अच्छे से याद है तो ये ऐसे ही आ जाएगी। अगर इसे निकालने का ये फॉर्मूला है, हमने जैसे एच बीटा की वेवलेंथ निकालनी है, आर 1 अपॉन फाइनल 2 स्केयर बाल्मर सीरीज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज के हमें लेंगे 2 एंड माइनस इनिशियल होगा हमारा 3। ऐसे ही हम एच बीटा के लिए निकालेंगे, एच बीटा बट कॉन्स्टेंट फाइनल, इसकी फाइनल स्टेट 3 स्केयर माइनस 1 अपॉन 2 स्केयर। इनिशियल स्टेट इससे एक छोटी होती है फाइनल से, याद रखें फाइनल की स्टेट इनिशियल से एक छोटी होती है। तो इसको हम एच बाय एच अल्फा करेंगे तो हमारी ये वाली वेवलेंथ की वैल्यूज आ जाएगी। इस तरह से हम अपनी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बाल्मर इन 1885 डिस्कवर्ड एन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन लाइन। इसने क्या फॉर्मूला निकाला? वेवलेंथ इक्वल टू 6 3 6 4 6 एन स्केयर अपॉन एन स्केयर माइनस 4 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी इन्फिनिटी हाइड्रोजन इन्फिनिट की वैल्यू है। इसमें एन हमारा 3 4 5 फॉर दी हाइड्रोजन अल्फा बीटा एंड दी गामा। इस तरह से हमारा ये सीरीज को क्या बोलते हैं हम? इस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। This formula is generally written in the following form, which is due to Rist and Rayburg. इसको हम कैसे लिखेंगे? वही ऊपर वाला formula use हुआ था for hydrogen atom के लिए निकाल रहे हैं हम ये सारी line spectrum। इसका V, V is denoted by ये wave number को represent करता है। Lambda is wavelength and RH is Rydberg constant, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1.097 into 10 to the power 5 per centimeter and meter में हमारी होगी ये 1.097 into 10 to the power 7 per meter। बिल्कुल उसी तरह से हमारा फॉर्मूला यूज होगा। ये हम बाल्मर सीरीज के लिए निकाल रहे हैं, बाल्मर सीरीज ये वाला फॉर्मूला जो है ये बाल्मर सीरीज का है। 2 स्केयर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल, हमने कहा था इनिशियल से फाइनल एक कम होगी, मतलब 3 का स्केयर, n इक्वल टू हमारा 3, इसमें हम 3 पुट करेंगे। ये इस तरह से बाल्मर सीरीज सीरीज हमारी होती कैसे हैं? n इक्वल टू 2 3 4 5 6 इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल एक ज्यादा है फाइनल से। इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल
इससे ज़्यादा है, ये इस तरह से सीरीज हो जाएगी। ये हमारी जो सीरीज की फर्स्ट सीरीज होती है, हमारी फर्स्ट सीरीज इज लेमन सीरीज, सेकंड बाल्मर सेकंड, एंड दी थर्ड सीरीज इज पाशन सीरीज, एंड फोर्थ सीरीज इज ब्रैकेट सीरीज, एंड फाइव सीरीज इज फन सीरीज। ये इस तरह से सीरीज होती है। अब आगे इसके फॉर्मूलाज देखेंगे हम। द बाल्मर सीरीज कंटेन्स ओनली दो स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम विच अकर इन विजिबल और यूवी अल्ट्रावायलेट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब हम स्पेक्ट्रल लाइन्स इन यूवी रीजन फॉर द लेमन सीरीज के लिए निकालेंगे। लेमन सीरीज के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा वेवलेंथ इक्वल टू रेबर कॉन्स्टेंट 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि ये पहली सीरीज है और जो फाइनल जो स्टेट होगी वो इनिशियल से एक कम होगी। एन इक्वल टू हमारा 2 से स्टार्ट होगा। ये इस तरह से एन की वैल्यूज इसके अंदर पुट की जाएंगी। फोर पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज कौन सी सीरीज थी हमारी? थर्ड सीरीज। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेवलेंथ इक्वल टू रेबर्ट कांस्टेंट इनटू 1/3 का स्केयर, फाइनल जो होगी स्टेट वो इनिशियल से एक कम होगी। तो एन की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से स्टार्ट होगी। ये जो फॉर्मूला है ये है पाश्चन सीरीज। फिर आती है हमारी ब्रैकेट सीरीज। इसका फॉर्मूला होगा 1/4 स्केयर, फाइनल स्टेट इनिशियल से एक कम। तो एन की वैल्यूज हमारे 5, 6, 7 इस तरह से आएंगे। इसके बाद आती है हमारी फर्न सीरीज। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा रेबर्ट कांस्टेंट इनटू 1/5 का स्केयर, क्योंकि ये पाँचवीं सीरीज है और जो फाइनल स्टेट होगी वो इनिशियल से एक कम होगी। तो ये हमारा n इक्वल टू 6, 7 एंड 8। इस तरह से हमने स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल ली हाइड्रोजन एटम के लिए सारी सीरीज की। द सीरीज फॉर्मूला फॉर दो स्पेक्ट्रा आर ऑफ द सेम जनरल स्ट्रक्चर एज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।